तो आज है बच्छ पारस। यहाँ पर इन सब जगह बच्छ पारस के दिन गाय की पूजा करते हैं और बछड़े की साथ में पूजा करते हैं, तो हम लोग भी आज पूजा करने जाएंगे। और आज खाने में मीन्स मक्की की रोटी और सब्जी में बिना चाकू से किसी से कटी हुई सब्जी वगैरह खाते हैं, कुछ भी ऐसा गेहूं का नहीं खाते हैं, तो आज हम भी वही फॉलो करेंगे। और अब हम जाने वाले पूजा करने, सोम में हो रही हूँ अब रेडी। पारस के दिन ऐसा क्यों करते हैं इसकी भी एक पूरी कहानी है, सो हम वो कहानी भी सुनेंगे। हुआ तो मैं उसको पूरी ऐड करूँगी, नहीं तो शॉर्टकट में बता दूंगी जब मैं सुनूंगी। तेरा बार तेरा बार
एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला, वो गाय को खाने लगा। तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिलकर आऊं, फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी, आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, शेर तुझे भी खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो दो शिकार है। इतने में बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, तो ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी ओढ़ाई, स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों वैकुंठ को गए खोटी की खरी अधूरी की पूरी। हमारी पूजा पाठ हो गए और हम कहानी वहाँ नहीं सुनी, क्योंकि वहाँ पर बारिश से सब तरफ गीला था। तो हम वापस घर पे आए, घर पे हमने कहानी सुनी और फिर हमने खाना खाया और अब हुए हैं हम फ्री बर्तन सब काम से। अब थोड़ी देर रेस्ट के बाद हम फिर शाम के खाने की तैयारी होगी, जिसमें आज शाम को बनते हैं। देखते हैं अब शाम को कैसे पकौड़े की तैयारी होती है, उसमें भी चाकू का यूज़ नहीं करना है तो कैसे क्या होता है, देखते रहिए। उसकी मैं कटिंग की भी लूँगी, अगर मेरे को हुआ ब्लॉग में तो मैं कटिंग उसकी, जैसे भी चॉपिंग करते हैं कि क्या क्या चाहिए उसमें, फिर कैसे काटते हैं, वो सारी चीज़ मैं ऐड करूँगी। तो बने रहिए। दो दिनों के तो इतना से सोता है। हाँ, बालू ऐसे छिल रहे हैं आज।
तो हमारे शाम का खाना भी हो गया, मीन्स हमने पकौड़ी भी बनाई। कैसे मम्मी जी ने स्मार्टली उसको मिर्ची को और आलू को कट किया, सो आपने देखा ही। ऐसे ही आज के दिन हमने सुबह भी ऐसे ही खाना बनाया था और नाइट का भी ऐसे ही बना। आपके यहाँ कैसे कट करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें भी आइडिया लगना चाहिए ना कि कैसे क्या होता है। और आपके यहाँ भी पूजा करते हैं क्या, ऐसे ही होती है पूजा, ऐसे ही कहानी सुनते हो, और कैसा लगा ये ब्लॉग आप ये ज़रूर बताएं कमेंट में। हर बार मैं एंडिंग सिर्फ बनाते बनाते ब्लॉग में, क्योंकि कंटिन्यू मेरे को ही करना है ब्लॉगिंग भी और एडिटिंग भी, तो मैं करते करते इतनी थक जाती थी कि एंडिंग करना तो भूल ही जाती थी। तो और सबके कमेंट आते थे कि दीदी आप एंडिंग सही से करा करो, तो आज मैं ये फाइनली इस ब्लॉग में बोल रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा ये ब्लॉग, ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही गया, सो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।